हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आथर 1.0 की सक्सेस के बाद आपके सामने अब हम ला चुके हैं अथर्व बैच 2.0। अथर्व बैच 2.0 आप सभी बीएससी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के बच्चों के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होने वाला है, हम लोग आगे के टॉपिक में सीखते हुए ये देखेंगे कि हमें फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में बीएससी मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में मैथ्स का सिलेबस क्या होने वाला है। आज हम लोग उसी सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अथर्व 2.0 के इस बैच में क्या चीजें खास होने वाली हैं, वो आपके सामने यहाँ लिखी गई हैं, जो इस बैच कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। बच्चों, ये केवल की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हमारे ऐप पे आपको इनसे कहीं ज्यादा चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं ऐप पे जो बैच की फीचर्स होने वाली है उनके बारे में। सबसे पहले लिखा हुआ है वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स का मतलब ये हुआ कि आपको सारे वीडियोज एक साथ ही ऐप पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप चैप्टर वाइज उन वीडियोज को देख सकते हो और हर एक चैप्टर फिनिश करने के बाद आपको लाइव डाउट सेशन दिया जाएगा। उस लाइव डाउट सेशन में आप उस चैप्टर से बनने वाले सारे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद लाइव डाउट सेशन के बाद ई बुक और नोट्स। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर मुझे लिखी हुई चीजें उस लिखे हुए फॉर्मेट में अच्छे से कहाँ मिलेंगी, जो कि बिल्कुल क्रम अनुसार लिखी होंगी। तो वो आपको हमारे ऐप पे प्रोवाइडेड जो नोट्स होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, वो नोट्स होते हैं, वो आप उनको पढ़ सकते हो और आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। आप बस एक रफ कॉपी पे अपना रफ वर्क करोगे, नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मॉडल पेपर्स बनते हैं उनके हिसाब से हम आपको ये बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल होगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद मॉडल पेपर्स एंड लाइव वन शॉट फॉर एवरी चैप्टर, जिसे हम रिवीजन में बोल सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन दिया जाएगा, ठीक है। टेलीफोनिक मेंटरशिप फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, मतलब जो बच्चे थोड़ा डर रहे हैं, सहम रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ क्वेश्चन पूछने में इतने लोगों के बीच में पूछूंगा तो थोड़ा शर्म आएगी, तो उनके लिए हमारे काउंसलर का नंबर आपके सामने लिखा हुआ, आप इस पर कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं और बैच के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ये बैच दोनों ही चीजों के लिए है, बीएससी मैथमेटिक्स के लिए भी है और बीएससी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री या जो बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो इस बैच की जो प्राइस होने वाली है उस प्राइस को हमने 2699 रखा हुआ है। इस पे आप और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं, जब आप बैच परचेज करने के लिए जाएंगे तो आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कूपन कोड को यूज करके आपकी फीस कुछ परसेंट और कम हो जाएगी, तो जो आपको कूपन अवेलेबल दिखे आप वहां लगा सकते हो और बैच की फीस थोड़ी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप बैच पर इनरोल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, LSI के ऐप, लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आपको जितनी भी डेमो क्लासेस मिलती हैं आप अपने अनुसार अपना कोर्स सेलेक्ट करिए। आप बैचेस में जाएंगे, स्टोर में जाएंगे, देखेंगे आपको जितने भी कोर्सेज दिख रहे होंगे उस कोर्स में आप अपना कोर्स सेलेक्ट करिए। उसमें आपको डेमो क्लासेस आपके सब्जेक्ट की मिल जाएंगी, सभी चीजों के डेमो क्लासेस वहां पहले ही दी गई हैं। आप डेमो क्लासेस को देख कर डिसाइड करिए आपको हमारे बैच में एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक आप सब मोबाइल का यूज करते हो और आप इन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से लेट्स स्टडी इंडिया के इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं और हमसे 24/7 आर कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि फेसबुक से, इंस्टा से, ट्विटर से, टेलीग्राम पेज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से ओल्डेस्ट इन्फॉर्मेशन सारी आपको यहाँ मिलती है, और हमारा यूट्यूब चैनल जिसपे तो आप सभी परिचित हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिलेबस जो कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बैच परचेज करने से पहले अपना डिटेल्ड सिलेबस इसके अकॉर्डिंग मैच करा लीजिए, ठीक है। अब चाहे MGKUP रीजन से बिलोंग करते हो, चाहे आप वाराणसी से हो, तो आप पक्का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जानते ही होंगे। तो उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो पूर्वांचल के हों, चाहे उदय प्रताप के हों, चाहे हरिश्चंद्र के हों, चाहे गोरखपुर के हों, कहीं के भी हों, तो आप उन सब के यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस फॉलो कर सकते हो। चाहे आप DDU के हो, चाहे आप VBSPU के हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के हो, चाहे और अदर किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आप सिलेबस मैच करा करके जहां NEP 2020 लगती है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी 12th पास आउट हैं, 12th पास आउट करके आपने ग्रेजुएशन में सबसे पहले एडमिशन लिया हुआ है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके लिए पढ़ने को मिलेगा। इस मैथमेटिक्स के सिलेबस में मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैथमेटिक्स के सिलेबस में दो पार्ट आपके होने वाले हैं, जिन दो पार्ट को हम पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो पार्ट ए होगा वो डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से जाना जाएगा। मेनली जो आपने क्लास 12th में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन तो पढ़ा होगा, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं, यूपी बोर्ड वाले जो होते हैं, अवकलन और समाकलन बोलते हैं। तो इसमें हम कहते थे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और पूरे पार्ट को बोलते थे कलन, यानी कि कैलकुलस पढ़ते थे हम लोग क्लास 12th में। उसी कैलकुलस को थोड़ा आगे बढ़ाया गया और दो पार्ट में तोड़ दिया गया है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको जो चीजें पढ़नी है वो आपको SKT सर और जय सिंह सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
तो एसकेटी सर और जय सिंह सर मिलकर के आपको यूनिट फर्स्ट मतलब कि यूनिट 1, 2, 3, 4। बेटा देखो बात ऐसे है कि जो 8 चैप्टर्स आपको टोटल पढ़ने हैं इस फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में, आपको 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 4 होंगे पार्ट ए में, 4 होंगे पार्ट बी में। जो 4 पार्ट ए के होंगे वो आपको एसकेटी सर और जय सिंह सर पढ़ाते हुए दिखेंगे, तो वो आप 4 यूनिट उनसे पढ़ोगे। बाकी जो इंटीग्रल के 4 यूनिट होने वाली वो मैं प्रवीण आपका दोस्त आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले सिलेबस में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ऐप पे सारी क्लासेस आपको वहां मिल चुकी हैं, आप एनरोल करिए और अपनी क्लासेस करिए, क्योंकि नवंबर में होने वाले एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पार्ट ए डिफरेंशियल कैलकुलस है। पार्ट ए में कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि आपने जो क्लास 12th में पढ़ा हुआ है उसी चीजों को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको यहां पढ़ाया जाएगा। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि मुझे बीएससी कर लिया, मैथ ले लिया, मैथ का बर्डन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको LSI के प्लेटफॉर्म से जुड़ना है और जितनी भी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उन सबको अच्छे से कवर करते रहना, जितने भी डाउट सेशन हो रहे हैं सबको देखते रहिए और जल्द से जल्द आपका सिलेबस पूरा कवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करके आप देखिए, वहां डेमो वीडियोस पहले ही अवेलेबल है, बस आप अपना बैच सेलेक्ट करिएगा। इंट्रोडक्शन टू इंडियन एनसीएंट मैथमेटिक्स जो आपकी यूनिट नंबर 1 होने वाली, जैसे मैंने बताया कि यहाँ 8 यूनिट यानी कि 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इन 8 चैप्टर्स में से 4 होंगे आपके पार्ट ए में, 4 होंगे पार्ट बी में। देखिए इंट्रोडक्शन टू इंडियन एनसीएंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियन शुड बी इंक्लूडेड अंडर कॉन्टिन्यूस इंटरनल इवेलुएशन। तो कुछ मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ना होता है, आप जो भी बुक उठा के पढ़ेंगे तो आप मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ सकते हो। देखिए टॉपिक आपकी यहां से स्टार्ट होती है डिफिनीशन ऑफ अ सीक्वेंस, टॉपिक यहां से स्टार्ट होगी डिफिनीशन ऑफ अ सीक्वेंस। उसके बाद थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंस, आपको यहां सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है। और सीक्वेंस पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? सीक्वेंस पढ़ने के लिए आपको यह देखना है कि आपका एक मैपिंग क्लियर होनी चाहिए। आपको क्या क्लियर होनी चाहिए? एक मैपिंग क्लियर होनी चाहिए। मैपिंग आपने पढ़ा है, आपने क्लास 12th में जरूर संबंध एवं फलन तो पढ़ा होगा। संबंध एवं फलन मीन्स रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, ठीक है। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन तो पढ़ा ही होगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो फंक्शन होता है उसके ऊपर टोटली बेस्ड होती है हमारी सीक्वेंस। किसके ऊपर बेस्ड होती है? सीक्वेंस, इसी के ऊपर बेस्ड होती है। अब मैं लिखता हूं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है an जो कि नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है, तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके n नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि एक चलती हुई सीरीज, उसी सीरीज के बारे में आपको यहाँ बेसिक तरीके से पढ़ना है। और आपको सीरीज क्या होगी? किसी नंबर पे जाके कन्वर्ज करेगी, किसी नंबर पे डाइवर्ज करेगी, क्या ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। आपको ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल तरीके से वहां एसकेटी सर आपने समझाया हुआ है, आप उसको देखिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए, चीजें बिल्कुल कठिन नहीं लगेंगी आपको, ठीक है। चलिए डेफिनेशन ऑफ अ सीक्वेंस तो हो गया, थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस की कुछ लिमिट होती है, ये सीक्वेंस कहां तक जा सकता है उसकी वो लिमिट होती है, तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस। बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, बाउंडेड का मतलब बंधा हुआ सीक्वेंस जिसकी लोअर बाउंड अपर बाउंड आती है, जो नीचे से बंधा हो ऊपर से बंधा हो वो हमारा लोअर अपर बाउंड हो, बाउंडेड सीक्वेंस है। उसके बाद आगे चलते हैं तो मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब होता है लगातार, लगातार घटता हुआ सीक्वेंस है कि लगातार बढ़ता हुआ सीक्वेंस है, ये बात हम पढ़ेंगे इसमें आगे। इसके बाद कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, मतलब कॉची एक मैथमेटिशियन है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये 10 तक जा रही है तो 10 के आसपास जाने वाली सीक्वेंस है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, कॉची सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या होता है किसी सीक्वेंस का। अब जैसे आपने ग्रुप पढ़ा होगा या सेट पढ़ा होगा, तो सेट क्या होता है? देखिए सेट क्या है, सेट होता है अगर हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3 तो ये इसके सबसेट्स होंगे, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहां हो गया 3, यहां हो गया 1 और 2, तो ये सब के सब इसके सबसेट है। तो अगर सेट का सबसेट होता है तो वैसे ही किसी सीक्वेंस का क्या बन सकता है बेटा? सब सीक्वेंस बन सकता है। तो ये सब सीक्वेंस भी ऐसे ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां चीजों को समझोगे तो यहां चीजें तुमको बिल्कुल नहीं लगेंगी। मैं किसी भी तरीके से यहां तुम्हें पढ़ाने का प्रयास करूंगा तो चीज समझ में नहीं आएगी क्योंकि स्टार्टिंग से शुरू नहीं हुआ है। तो अभी जब बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस, थ्योरम ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंस, तो पहले आप सीक्वेंस समझेंगे क्लास में, सीक्वेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है। तो जो यहाँ चीजें लिखी गई हैं उनको आप देख लीजिए कि ये आपका सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है बस। और क्लास में जब आओगे पढ़ोगे तब चीजें और क्लियर होंगी कि हाँ बारी बारी से चीजें मुझे कैसे कैसे पढ़नी है, ठीक है। अभी मैं आपको टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ कि ये सारे आपके टॉपिक हो सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके अपना एक कॉपी पे इन सभी सिलेबस को लिख भी सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे ऐप पे आपको मिलेंगे भी, ठीक है। लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर ऑफ अ सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट। अब सीक्वेंस क्या करते हैं बेटा? कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, इसके लिए कंपैरिजन टेस्ट होता है। आगे चलते हैं तो कॉची इंटीग्रल टेस्ट होता है, फिर रेशियो टेस्ट होता है,
रूट टेस्ट होता है, राबीज टेस्ट होता है, इसके बाद लॉगरिथमिक टेस्ट होगा, डी मॉर्गन एंड बर्टरिंग टेस्ट होगा, और तब आपकी शुरू होगी क्या बेटा, अल्टरनेटिंग सीरीज। तो पहला जो यूनिट है इसका नाम है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या नाम है इसका? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आप देखिए सीक्वेंस कहां तक चलता है, सीक्वेंस चलता है बर्टरिंग टेस्ट तक, यहां तक चलेगा आपका सीक्वेंस। उसके बाद शुरू होगी आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज। अब अल्टरनेटिंग सीरीज में आपको लिबनिट्ज थ्योरम पढ़ना है, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पहले यूनिट में पढ़नी है सीक्वेंस एंड सीरीज में। थोड़ी सी चीजें आपके लिए नई होंगी क्योंकि ये पूरी की पूरी जो मैथमेटिक्स होती है बिल्कुल थोड़ी सी नई पड़ जाती है आपके लिए, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप रेगुलर क्लासेस अगर करोगे और चीजों को वाकई मन लगा के समझोगे तो फिर चीजें आपके लिए ज्यादा ईजी रहेंगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये बस एक सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, हम आपको पार्ट बता रहे हैं कि सिलेबस का पार्ट है, आपको ये चीजें पढ़नी है। आप सभी क्लास ट्वेल्थ पास आउट हैं, तो आप क्लास ट्वेल्थ पास आउट है तो आप ये बिल्कुल सोच के पैनिक मत होइए कि हमें बीएससी मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना पड़ जाएगा। जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये यूनिट वाइज चीजें बता दे रहा हूँ, चीजें हमारे ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल पड़ी हुई हैं, ठीक है। वहाँ क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, आप उनको देखिए, समझिए और बिल्कुल भी लेट मत करिए क्योंकि नवंबर में आपकी एग्जामिनेशन है, उनका हमें सीरीज लेना है, ठीक है। चलिए आगे, वन के बाद दूसरी यूनिट अब आती है लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। आपने जो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी पढ़ी हुई क्लास ट्वेल्थ में उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना सीमा पढ़ा होगा, सतता पढ़ा होगा, और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब अवकलनीयता पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड के बच्चे ऐसे ही पढ़ते होंगे, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ टू सिंगल वेरिएबल, ठीक है, सिंगल वेरिएबल, उसके बाद कॉचीज की डिफिनीशन, हीन्स डिफिनीशन, ठीक, उसके बाद इक्विवेलेंस ऑफ डिफिनीशन ऑफ कॉचीज एंड हीन्स, ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, बोरल्स थियरम, बाउंडेडनेस थियरम, ठीक है, उसके बाद बोलजानोस थियरम, इंटरमीडिएट वैल्यूज थियरम, ये जितने नेमिंग थियरम है, जितने नेम वाले थियरम आ रहे बेटा, आप इन सबको पढ़ लोगे तो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। यहाँ बस नेमिंग थियरम आते हैं, इन नेमिंग थियरम को अच्छे से जज कर लोगे तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सट्रीम वैल्यू थियरम, मतलब जो भी थियरम्स आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से प्रूफ, क्योंकि बीएससी इज ऑल अबाउट थियरम एंड प्रूफ। मैथमेटिक्स में कई चीजें ऐसे होती हैं जिनमें आपको थियरम प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर डारबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम, ठीक है, फॉर डेरिवेटिव्स, उसके बाद चेन रूल आएगा और देन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आएंगे। ये आपका यूनिट नंबर टू है, इसमें मेनली आपको नेमिंग थ्योरम पढ़ने हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से बताया हुआ है, इन लोगों के नियमों को हम क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे क्या इन्होंने बताया, क्या इन्होंने प्रूव किया, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं यूनिट नंबर थर्ड और फोर्थ के बारे में। थर्ड में पढ़ना है रोलेस थियरम, आपने कभी ना कभी क्लास ट्वेल्थ में इसका नाम भी सुना है, लैग्रांजेस थियरम सुना है, अब आपके सामने नया होगा कॉचीज मीन वैल्यू थियरम, इसके बाद मीन वैल्यू थियरम फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने मिलेगा टेलर्स थ्योरम, क्या बेटा, टेलर्स थ्योरम मिलेगा, ठीक। उसके आगे हमें रहेगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो सबसे इजी टॉपिक है, बच्चे यहीं से करते हैं, ठीक। लेबनिट्ज थ्योरम मिलेगा आपको, फिर मैक्लॉरिन्स थ्योरम मिलेगा, टेलर्स की सीरीज मिलेगी, और उसके बाद और इजी टॉपिक आपका स्टार्ट होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड देन यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। आप अगर पढ़ना चाहें तो आप इस पेपर में, मतलब कि आप जो पार्ट ए पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, तो यूनिट नंबर थ्री स्टार्ट करोगे बेटा, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। यूनिट नंबर थ्री में काफी चीजें बहुत इजी होती हैं, रोले, लैग्रांजेस, टेलर, मैक्लॉरिन, फिर लिबनिट्ज रूल है, फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सवाल इतने अच्छे अच्छे हैं, जयसिंह सर ने इनको पढ़ाया हुआ है। अब देखिएगा उन्होंने बेसिक एग्जांपल से उठाया और हायर ऑर्डर तक एग्जांपल लगवाए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस फोर्थ यूनिट में टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। देखो ये सर्कल हो गया, सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से आपने खींच दिया तो ये टेंजेंट बन गया, सर्कल से जो रेडियस ड्रॉ करोगे ये इसका नॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल है टेंजेंट पे। टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, तो बहुत बेसिक से उठा करके चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। उसके बाद एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, कर्वेचर क्या होता है, एनवलप एंड इवोल्यूट क्या होता है, ठीक है। फिर टेस्ट फॉर कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी, ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कौन सा कर्व आपका कॉन्केव बनेगा, कौन सा आपका कॉन्वेक्स बनेगा, जैसे आपने मिरर पढ़ा हुआ है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इसके बाद मल्टीपल पॉइंट क्या होता है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व क्या होता है, एंड देन लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए बेटा, ट्रेसिंग ऑफ कर्व। क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसे हम लोग कर्व ट्रेसिंग के नाम से जानते हैं और बहुत बार क्वेश्चन इसे बनते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने क्वेश्चन सर ने क्लास में कराए हुए उतने ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। और सबसे पहले ट्रेसिंग ऑफ कर्व लेट स्टडी इंडिया के प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ाया गया है, तो आप पढ़िए अच्छे से, चीजें कवर करिए, सिलेबस कवर हो चुका है तो आप ही पीछे मत रह जाइए, आप भी अपना सिलेबस कवर करिए, ठीक है। चलिए ये तो बात रही पार्ट ए की, ठीक है। अब पार्ट बी की बात करते हैं।
पार्ट बी आपका होने वाला, जैसे वो डिफरेंशियल था तो ये होने वाला है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या करता है कि अब इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको कि इंटीग्रेशन मेनली सब कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे चल रहा है। तो इंटीग्रेशन में बेटा पहली यूनिट आपकी आती है डिफिनिट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम। ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, कि आप जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो तो बेटा आपको क्या मिलता है, एक्स क्यूब बाय थ्री मिलता है ना इंटीग्रेशन करने पे। तो इसे लिमिट की डिफिनेशन से कैसे किया जाएगा, इसे लिमिट की डिफिनेशन से कैसे किया जाएगा, मैंने आपको ये कराया हुआ है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस यूनिट में मिलने वाली है रायमान इंटीग्रल। क्या बेटा? रायमान इंटीग्रल। रायमान एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इंटीग्रेशन जिस टेक्निक से बताया वो उसे रायमान इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक, मैंने कराया है इसका थ्योरम प्रूफ पूरा कराया हुआ है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मैंने इसका भी कराया हुआ है। इसके बाद मैंने मीन वैल्यू थ्योरम आपको पढ़ाया हुआ है, सब कुछ क्लास में कंप्लीट है, ठीक। और उसके बाद डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन के मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यूनिट वन में ये चीजें आपको पढ़नी है। आप सभी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, चीजों को नोट करते चलिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट नंबर ऐसे तो छठी है, इंटीग्रल की ये दूसरी यूनिट है, ठीक है, ऐसे तो छठवीं यूनिट है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल मतलब जिसमें लिमिट क्या होती है, या तो इनफाइनाइट होगी अपर लिमिट में, या तो लोअर लिमिट में होगी, या तो दोनों इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो सकती है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ठीक है, ऐसे हो सकती है। इस तरीके के इंटीग्रल्स को हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। उनका क्लासिफिकेशन करना है, कन्वर्जेंस चेक करनी है। कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आपको कंपैरिजन टेस्ट पढ़ना है, म्यू टेस्ट पढ़ना है, एबल टेस्ट पढ़ना है, डिरिचलेट टेस्ट पढ़ना है, कोसिन टेस्ट पढ़ना है, एंड देन सबसे इजी टॉपिक जो इस यूनिट की होती है वो दैट इज बीटा एंड गामा फंक्शन। क्या होती है बेटा? बीटा एंड गामा फंक्शन, ये सबसे इजी टॉपिक है आपके लिए, बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। तो आप बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ के अपनी यूनिट खत्म करना, ठीक है। मैंने सारा कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस सेवेंथ वाली यूनिट में क्या आपके सामने। रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब है अगर मैंने यहां से यहां तक एक कर्व काट दिया तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे। लेंथ मतलब ये आर्क है, तो आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं। आर्क की लेंथ निकालने का प्रोसेस होता है क्या बेटा? रेक्टिफिकेशन। क्या होता है? रेक्टिफिकेशन होता है वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। किसी भी सॉलिड को रिवॉल्व किया जाए तो वो कौन सा वॉल्यूम जनरेट करेगा, कौन सा सरफेस बनाएगा, उसे बोलते हैं वॉल्यूम एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। इसके बाद आपको बब्बूज थ्योरम पढ़ना है, एंड देन मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल मतलब एक बार इंटीग्रेशन नहीं, दो बार तीन बार इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, जिसे सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन वही आएगा एग्जाम में, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये रहा आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद आपको डिरिचलेट टेस्ट पढ़ना है कि देखो तीन बार इंटीग्रेशन आ जाएगा तो बच्चों की हवा निकल जाएगी, ठीक है, कि इंटीग्रेशन तीन बार कैसे करेंगे आप। तो तीन बार इंटीग्रेशन करने के लिए चीजें आसान बनाई गई हैं। कौन सा टेस्ट दिया गया? डिरिचलेट टेस्ट। इस टेस्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं आप? डिरिचलेट थ्योरम जो दिया गया, लिवलिस थ्योरम जो दिया गया, इनका यूज करके आप मल्टीपल इंटीग्रल मतलब एक से ज्यादा इंटीग्रल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर सेवन था। अब इसके आगे चलते हैं, एक लास्ट यूनिट और देखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था लेकिन अब तो सब कंप्लीट हो चुका है, अब ये बचा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी ने वेक्टर्स तो पढ़े होंगे, ठीक है, वेक्टर्स तो पढ़ा होगा, वेक्टर स्केलर आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा हुआ है वेक्टर स्केलर। अब क्या करना है आपको? वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना है। वेक्टर के डिफरेंशिएशन में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग डेल के फॉर्म में दिखाते हैं। डेल डॉट एफ होगा तो डाइवर्जेंस है, डेल के साथ अगर कुछ नहीं है तो ग्रेडियंट है, ठीक है, और अगर डेल के साथ क्रॉस लगा हुआ है तो बेटा ये कर्ल है। ये क्या है? ये कर्ल है, ठीक है। उसी तरीके से नॉर्मल ऑन अ सरफेस डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फिर उसके आगे वेक्टर इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे वेक्टर का डिफरेंशिएशन किया तो उसी तरीके से वेक्टर का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, ठीक। थ्योरम ऑफ गॉस, गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम, मैंने तीनों कराया है और ये तीनों फिक्स है कि पेपर में आएंगे, ये तीनों में से कोई एक जरूर आएगा पेपर में आपके। तो ये चीजें आपके लिए जब इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना तो जरूर चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे चीजें, तो ये आपका रहा यूनिट नंबर एट। तो बेटा ये आपके आठों चैप्टर्स हैं जो आपको फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, मतलब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर आपका जो है, वैसे तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर रहेगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यही आठ चैप्टर पढ़ने हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में। तो आई होप कि सिलेबस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसके आगे की वीडियोस और भी डेमो वीडियोस हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हो। और ज्यादा डेमो वीडियोस के लिए आप लेट स्टडी इंडिया का ऐप डाउनलोड करिए, उसमें और भी डेमो वीडियोस आपके लिए पड़ी हुई हैं। आप उनको देखने के बाद डिसाइड करिए कि आगे की वीडियोस हमें इनके ऐप को परचेज करके पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। बेटा आप सभी को ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।